पिछले कई समय से मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न की शिकायतें अधिक सामने आ रही हैं, जिसमें प्रदेश को शर्मसार भी होना पड़ रहा है। महिला उत्पीड़न का एक और मामला राजधानी के भोपाल से सामने आया, जहां एक महिला को उसके पति द्वारा बेरहमी से मारा गया। दरअसल जैन नामक महिला थाना शहजा शाहजहानाबाद अंतर्गत निवास करती है, जिसका इनाम नामक युवक से 12 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही उसका पति लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। महिला के साथ अनेकों बार मारपीट की गई, जिसमें कई बार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि मामले को लेकर पुलिस द्वारा बताया गया 2016 में भी महिला की शिकायत को दर्ज किया गया था। अब पुनः महिला की शिकायत दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम जैन है। मेरी शादी इनाम और रहमान से हुई है, जो शाहजहानाबाद में रहते हैं। 12 साल हो गए मेरी शादी को। शादी के बाद से ही किसी लड़कियों से उनका अफेयर चल रहा है, 4 बच्चों की माँ से। और उसके बाद उनके मुझ पर जुल्म जाती हैं करते हैं, मारपीट करते रहते हैं आए दिन, और कहते हैं घर जाके पैसे लेकर आओ। और अभी 1 साल पहले इस बच्चे को मारकर भागे हुए हैं। और जब पर उनसे कहते हैं कि ख़त्म करो सारी चीज़ें, हम साथ रहने को राजी हैं, तो आए दिन मारपीट करते हैं, जहेज की मांग करते रहते हैं मुस्तकिल। और अभी कुछ दिन पहले मुझे जान से मारना चाहा उन्होंने। मेरे बच्चे को मारकर उनको सुकून नहीं मिला, अब मुझे मारना चाह रहे हैं वो और उनके घर वाले। मेरी दोनों नंदे राशिदा और अफरोज़, उनके भाई हनीफ और नफीस, आए दिन मुझे परेशान करते हैं, मारपीट करवाते हैं और करते हैं। मेरे घर में मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। तो एक महिला ने थाना शाहजहानाबाद में पीड़िता के द्वारा ऐसी शिकायत की गई है। पूर्व में भी संज्ञान में आया हुआ था कि 2016 में भी पीड़िता के द्वारा अपने पति या उनके परिजनों के द्वारा मारपीट करना, गाली गलौज करना और दहेज की प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिस पर से उस पर खात्मा लगा हुआ था। आला अधिकारियों के द्वारा पीड़िता के द्वारा आवेदन भी दिया गया था इस संबंध में कि मेरे साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ है। पुनः अभी 24 तारीख की दरमियानी रात में पीड़िता के द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी मारपीट, गाली गलौज और दहेज उत्पीड़न का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में संपूर्ण विवेचना की जा चुकी है, और जैसे ही कोर्ट खुलता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी।